हाय फ्रेंड, नमस्कार, सभी का फिर से वेलकम है चैनल में। थैंक यू टू ऑल माय फ्रेंड जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब किया, लाइक किया एंड कमेंट किया। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड, आप कभी भी आपका जो सेलफोन है कभी गुम हो गया रहेगा, कभी उनका फैक्ट्री डिबूट हो गया रहेगा ऑटोमेटिकली, तो फ्रेंड कभी आपकी जो गैलरी की फोटोज होंगे, वीडियोज होंगे ऑटोमेटिकली डिलीट हो गए रहेंगे। तो फ्रेंड, आपको बैकअप किस तरह लेना, आपको जो आपके पुराने फोटोज आपको किस तरह वापस आप ले सकते हो। ओके, तो फ्रेंड कभी आपने नया सेलफोन लिया है तो फ्रेंड मैं आपको बताऊंगा किस तरह अपनी जो जीमेल्स की फोटो हैं आप इजीली अपने सेलफोन में ले सकते हो। अगर आपका फोटो ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया तो फ्रेंड आप उसको कैसे फैक्ट्री रिबूट करके आप उसको बैकअप में ले सकते हो। तो फ्रेंड उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। ओके, तो फ्रेंड चलो वीडियो में आगे बढ़ जाओ। फ्रेंड अगर मैं वीडियो पसंद है आपको तो फ्रेंड एक लाइक तो जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। ओके, तो फ्रेंड उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए फ्रेंड जो आपका सेलफोन होगा उसके अंदर आपको लॉगिन करना होगा आपकी जीमेल आईडी जो आपने ऑलरेडी कर रखी होगी पहले, जो आप सेलफोन यूज़ कर रहे थे। तो फ्रेंड जैसे आप देख सकते हो, तो जो मेरी जीमेल आईडी है sunil222496@gmail.com, इससे मैंने इसको लॉगिन कर रखा है। तो इसमें मैंने लॉगिन कर रखा है तो फ्रेंड मेरे जितने भी उस प्रोफाइल के फोटो हैं, उस जीमेल के फोटो फ्रेंड, वो ऑटोमेटिकली मेरे सेलफोन में स्टोर होते रहे जीमेल में। तो मैं अगर गूगल में भी जाके अगर मैं कोई दूसरे लैपटॉप या पीसी में भी लॉगिन करूँ तो फ्रेंड जितने मेरे इमेजेस है अब मुझे वहाँ भी मिल जाएंगे। तो फ्रेंड इसी तरह आप भी कर सकते हो। तो फ्रेंड उसके लिए आपको क्या करना हो, उसके लिए आपको आना होगा आपको सेलफोन में आना के बाद आपको जाना होगा सेटिंग में। तो फ्रेंड जैसे मैं सेटिंग में आ चुका हूँ तो फ्रेंड आपको क्या करना होगा, आपको इधर इस तरह का ऑप्शन दिखेगा फ्रेंड अकाउंट एंड सिंक में। तो फ्रेंड आपको अकाउंट एंड सिंक में जाना है और वहाँ आपको जीमेल आईडी से लॉगिन करनी है। तो फ्रेंड आपको किस तरह क्या करना है, तो फ्रेंड आपको यहाँ ऐड अकाउंट दिख रहा है, आपको ऐड अकाउंट पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड जैसे आप ऐड अकाउंट पर क्लिक करोगे आपको इस तरह का ऑप्शन दिखेगा फ्रेंड बहुत सारे। तो फ्रेंड आपको क्लिक करना है गूगल पे क्लिक करने और फ्रेंड आपको चेकिंग इन्फो इस तरह आएगा। तो फ्रेंड आपको उसके बाद क्या करना है, जैसे अभी ये सिंक हो रहा है तो फ्रेंड आपको इंटर करना है आपकी वो ईमेल आईडी। तो फ्रेंड आपकी जो ईमेल आईडी थी जो आपने पहले अपने सेलफोन में यूज़ कर रहे थे या आपकी जो करंट ईमेल आईडी है उसको डालने का फ्रेंड आपको यहाँ लॉगिन करना है। ओके, तो फ्रेंड मैंने इसको तो ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है तो फ्रेंड मैं आपको बताऊंगा आपको लॉगिन होने के बाद किस तरह इंटरफेस दिखेगा। तो फ्रेंड लॉगिन होने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो फ्रेंड मैं इस जो मेरी sunil222496@ वाली आईडी है उसको लॉगिन कर लेता हूं। तो फ्रेंड यहां आपको ऑप्शन दिखेगा फ्रेंड कैलेंडर, क्रोम, कॉन्टैक्ट, ड्राइव, जीमेल। ओके, तो फ्रेंड जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स होंगे, जीमेल होंगे, आपके जितने भी डिटेल्स होंगे फ्रेंड, जितने भी फोटोज़ होंगे, वीडियोस होंगे, तो फ्रेंड जो आपका इसमें आ जाएगा। तो फ्रेंड आपको क्या करना है, लॉगिन होने के बाद आपको सिंक पे क्लिक करना है, सिंक नाउ पे। तो फ्रेंड जैसे आप सिंक नाउ पे क्लिक करो तो फ्रेंड आपको देख रहे आपके सामने से सिंक होना स्टार्ट हो चुका है। तो फ्रेंड जैसे सिंक होना स्टार्ट हो जाएगा, फ्रेंड जैसे सिंक कंप्लीट हो जाएगा तो जितने भी आपके जो इमेजेस थे, कॉन्टेक्ट थे फ्रेंड, सब कुछ आपके सेलफोन में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो फ्रेंड आपको क्या करना होगा ये सिंक होने के बाद, तो फ्रेंड जैसे अभी यहाँ सिंक हो रहा है तो फ्रेंड अगर आपको ज़्यादा इमेज होंगे तो फ्रेंड सिंक होने का थोड़ा टाइम लेगा। ओके, तो उसके बाद फ्रेंड आपको आना होगा गूगल फोटोज पे। तो फ्रेंड जब गूगल फोटोज़ पे आएंगे तो फ्रेंड आपको एक एक आपके जितने इमेज है तो फ्रेंड एक एक करके आपके सब इमेजेस आ जाएंगे। ओके, तो इसीलिए फ्रेंड आपको हमेशा जब नया सेलफोन लेते हो तो फ्रेंड आपको गूगल से लॉगिन करके आपको रखना चाहिए। उससे फ़ायदा ये होता है कि फ्रेंड जितने इमेजेस आपके गूगल में भी, गूगल बैकअप में भी चले जाते हैं। तो अगर आपके सेलफोन से भी डिलीट हो गया तो आप दूसरे सेलफोन में भी लॉगिन करके वो इमेज ले सकते हो। ओके, तो उसके लिए थोड़ी सेटिंग भी करनी पड़ती है। तो फ्रेंड आपको क्या सेटिंग करनी होगी, आपको सेटिंग में जाना होगा और यहाँ बैकअप एंड सिंक पे क्लिक करके फ्रेंड जो आपको जितने भी आपके फोटोज़ हैं आप यहाँ सिंक करके ले सकते हो। तो फ्रेंड यहाँ आपको क्लिक करने का ऑप्शन आएगा तो प्राइवेटली अपलोड योर दिस डिवाइस टू फोटो, तो आपको यहाँ एस नो रहेगा तो आपको एस करना है। जैसे मैं इसको ओके कर लेता हूँ। इसे आपको देख सकते हो फ्रेंड जो आपको स्टोरेज मिलता है फ्रेंड, मिलता है 15 GB का। तो फ्रेंड 15 GB देगा फ्रेंड आप फ्री में आपका जो जीमेल पे स्टोरेज होता है फोटो या वीडियोस का आप रख सकते हो कॉन्टेक्ट्स के। फिर उसके बाद आपको बाय करना पड़ता है फ्रेंड, उसके नीचे आपको आना पड़ा फेगा फ्रेंड बैकअप मोड। तो फ्रेंड बैकअप मोड जो होता है फ्रेंड जो आपकी होगी वो आपको ओरिजिनल क्वालिटी में चाहिए कि फ्रेंड आपको और हाई क्वालिटी में चाहिए या आपको एक्सप्रेस में चाहिए। तो फ्रेंड आपको ओरिजिनल क्वालिटी पे क्लिक करके रखेगा और आपको जो भी फोटोज आपको जितने भी MB लेंगे फिर आपको सेम MB मिलेगा। ओके, तो फ्रेंड आपको सेल डेटा यूजर्स में आपको ऑप्शन दिखाई देगा। तो फ्रेंड आपको कितना लिमिट आपको बैकअप लेना है, 5 MB, 10 MB, 30 MB। तो फ्रेंड आपको नो डेटा करिएगा और आपको नो डेटा और इधर अनलिमिटेड का ऑप्शन होता है। फिर अगर आप अनलिमिटेड का तो फ्रेंड आपको डेली जितना बैकअप होगा आप अनलिमिटेड बैकअप कर सकते हो। ओके, तो फ्रेंड इसको अगर ओके करो तो फ्रेंड आपको जो बैकअप है रोमिंग में भी हो जाएगा। ओके, फिर इसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा फ्रेंड बैकअप फोल्डर, फिर आपको कौन से फोल्डर में बैकअप चाहिए तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा।
ओके तो फ्रेंड इतने सारे आपको जो बैकअप होते हैं आपको इतने सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो फ्रेंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है फ्रेंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना भूलेगा। थैंक यू।